Corsetics. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटराइज सिस्टम फॉर इंटरनेट कैफे इस पे काम करते हैं. देखते हैं कि इसमें ज़्यादा लोग जो हैं, अगर आप देखें इंटरनेट कैफे पे जब जाते हैं तो इंटरनेट कैफे में जो है मैनुअल कैलकुलेशन वगैरह करके फिर जो है बंदे से पैसे लेता है. तो यहाँ पे इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे हम कंप्यूटराइज सिस्टम एमएस एक्सेल में इन लोगों के लिए जो है वो बना सकते हैं. बहुत आसान तरीके से जो है मैं बनाऊंगा. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो है सबसे पहला लिखा है नंबर, मतलब कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स. यहाँ पे तकरीबन 6 कंप्यूटर्स हैं फॉर एग्जांपल. इसमें यहाँ पे नेम अगर आप पूछ सकते हैं तो यहाँ पे आप एक न्यू कॉलम इंसर्ट कर दें और इसमें जो है आप उस बंदे का नेम भी लिख सकते हैं. यहाँ पे लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, तो यहाँ पे एक बंदा है अली के नेम पे. स्टार्ट टाइम जो है इसका क्या है, मतलब कि किस जब भी वो आता है उस टाइम को नोट कर लें. तो स्टार्ट टाइम ये है, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट टाइम जो है वो नोट कर लूँगा कि 9 o'clock जो है वो आ चुका है. तो मैंने यहाँ पे 9 o'clock लिख लिया. अब एंड टाइम जो है इसको मैं नोट करता हूँ कि मतलब कि जब भी वो उठता है तो यहाँ पे उस टाइम को नोट करके फिर मजीद जो है मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट सपोज 12:35 पे जो है ये उठ गया. अब यहाँ पे टोटल हावर्स को काउंट करना है कि टोटल हावर्स मतलब कि इस बंदे ने यहाँ पे कितने हावर्स बिताए. तो अब मैं लिखता हूँ इक्वल हावर, एक फंक्शन है अगर आप लोगों को याद हो, मैंने पढ़ाया भी है और उस टाइम मैंने कहा भी था कि मैं इस पे जो है आप लोगों के लिए एक ऐसा सिस्टम जो है या एक ऐसा चीज़ जो है वो बनाऊंगा कि उसमें ये हावर्स मिनट्स वगैरह जो है ये यूज़ हो जाए और यहाँ पे मैंने इसको यूज़ करना है. अब तो देखिए मैंने यहाँ पे इक्वल हावर्स ले लिया, एंड टाइम यहाँ पे मैं लेता हूँ इक्वल हावर्स, यहाँ पे मैं इसको हावर्स देखता हूँ और उसके बाद एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम. और जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मुझे डायरेक्टली शो कर रहा है कि 3 घंटे जो है ये यहाँ इसने यहाँ पे बिताई. अब मिनट्स कितने यहाँ पे इसने स्पेंड की है, इक्वल मिनट्स, ये मिनट है, एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम. और एंटर प्रेस करता हूँ तो 35 मिनट इसने यहाँ पे स्पेंड भी किया. तो अब यहाँ पे मालूम करना है कि एक हावर का टोटल कितने रुपीज है. यहाँ पे रेट पर हावर, रेट पर मिनट और रेट पर हावर. लेट सपोज एक हावर का 60 रुपीज है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इक्वल ये मल्टीप्लाई करता हूँ 60 के साथ. तो 60 रुपीज जो है इसका 1 hour है, तो 180 जो है ये आ गए. और इसी तरह जब एक हावर 60 रुपीज का है तो 1 minute equal to 1 rupee. तो 1 मिनट 1 रुपए पे है. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ equal 35 multiply 1, क्योंकि 1 मिनट 1 रुपए पे मिलता है. इसी तरह यहाँ पे अब टोटल मनी जो है इसको फाइंड करना है, तो इक्वल ये आप दोनों जो है सम कर दें. देखिए ये और ये आप सम कर दें, क्योंकि रेट पर हावर 180 और रेट पर मिनट इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ और यहाँ पे ये आ गया है टोटल मनी. अब मैं इन सब का सीरीज बनाता हूँ, तो सीरीज बनाने के लिए मैं इन सब को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्लस डी प्रेस करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ. एक दूसरा बंदा है वो आया है लेट सपोज, अच्छा जमाल है, और जमाल का यहाँ पे स्टार्ट टाइम जो है वो 3 o'clock है. लेट सपोज मैंने 3 o'clock लिख लिया और ये वापस जाता है 9:40 पे. तो इसका टोटल हिसाब अगर आप देखें, यहाँ पे टोटल हिसाब इसका कह रहा है कि 6 घंटे और 40 मिनट और इसका ये पर हावर रेट हो गया. टोटल हावर, टोटल पैसे जो है वो इतने हो गए, मिनट्स के पैसे इतने हो गए और टोटल मनी जो है वो इतने ही हो गए. तो आप इजीली यहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम जो है इंटरनेट कैफे के लिए बना सकते हैं. तो वीडियो इतना ही. Keep watching us. Allah Hafiz.